तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने शपथ ले ली है। जो बाकी औपचारिकता है वो इस वक्त जारी है। लाइव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं पूरा परिवार जब पहुंचा आज शपथ देखने के लिए, क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी संसद में पहुंची हैं बतौर सांसद और उन्होंने शपथ लिया और वायनाड से जीत कर आई हैं और बड़ी जीत उनकी रही वायनाड में। उपचुनाव हुआ वायनाड में और अभी जब नतीजे आए 23 तारीख को तो उसमें वो सांसद बनी और आज उन्होंने शपथ लिया। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई शपथ ग्रहण समारोह की। एक नई भूमिका यहाँ से शुरू होती है प्रियंका गांधी की और उन्होंने शपथ ली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी ने शपथ ली। पूरा गांधी परिवार वहां मौजूद रहा। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी वहां पर उपस्थित रही। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब प्रियंका गांधी वहां पर शपथ ले रही थी, इस दो राज्यों के विधानसभा चुनाव, 45 सीटों पर उपचुनाव और 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ उपचुनाव, जिसमें एक सीट वायनाड रही, एक नानोरा सीट रही महाराष्ट्र की और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और प्रियंका गांधी ने वायनाड से राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई थी और राहुल गांधी मौजूदा वक्त में रायबरेली से सांसद, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने जब ये सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी और 4,10,000 वोटों से जीती और एक तरफा जीत रही। दूसरे नंबर पर CPIM के प्रत्याशी और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही वायनाड के उपचुनाव में। बड़ी जीत रही, 6 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त किए प्रियंका गांधी ने, अंतर जीत का रहा करीब 4 लाख वोट। किन किन पदों पर रही हैं अब तक प्रियंका का ये सियासी सफर किस प्रकार से रहा, क्या जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, देखें। 19 में महासचिव बनी थी, यूपी की प्रभारी बनी थी 2020 में, उनकी अगुवाई में चुनाव भी लड़ा गया 22 का और 2024 में वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा अभी हाल में और उन्होंने जीत दर्ज की और आज उन्होंने शपथ लिया है प्रियंका गांधी। उनकी ये तस्वीर कुछ देर पहले जब उन्होंने शपथ ली। अटकलें बहुत लगाई गई, कई बार चर्चा हुई कि क्या 19 का चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ा। बात हुई कि क्या 2024 का आम चुनाव लड़ेंगी, आम लोकसभा के चुनाव में उतरेंगी, उसमें भी प्रियंका गांधी ने कहीं से कोई प्रचार नहीं भरा। लेकिन जब बात उपचुनाव की आई, राहुल गांधी ने, इनके भाई ने जब सीट छोड़ी तो भाई के सीट छोड़ने के बाद बहन ने मोर्चा संभाला और वायनाड जीत कर दिखाया। 4 लाख के भारी अंतर से ये चुनाव वायनाड में जीता है प्रियंका गांधी ने, केरल की वायनाड सीट। और अब प्रियंका वाड्रा की ये संसदीय पारी का आरंभ यहां से होता है। श्री गणेश हो गया है, शपथ उन्होंने ले ली है। प्रियंका वाड्रा ने सांसद पद की शपथ ली है और अब कांग्रेस नेता नहीं बल्कि अब कहलाएंगी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ने सांसद की शपथ ली। इस वक्त सदन की कार्रवाई भी चल रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी ने शपथ ली। 11 बजे शपथ ग्रहण होना था और जिस प्रकार से उन्होंने शपथ ली हाथ में संविधान लेकर उसी चिरपरिचित अंदाज में जिसमें राहुल गांधी दिखाई देते हैं आजकल, तो उसी अंदाज में प्रियंका गांधी भी दिखाई दी। शपथ खत्म हुआ, लेकिन शपथ खत्म होते ही कार्रवाई शुरू हुई तो देखिए हंगामा भी शुरू हो गया है। इस वक्त तो जानकारी मिल रही है कि प्रियंका की शपथ के तुरंत बाद हंगामा, हो हल्ला मचना शुरू हो गया है सदन की कार्रवाई में। और देखिए कल से लगातार जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही लगातार, फिर चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या संभल का इशू हो, तमाम चीज़ों को लेकर जमकर नारेबाजी हो रही है, हो हल्ला लगातार हो रही है। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ी, ये सिचुएशन रही हो दोनों सदनों में, ये स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लोकसभा की आप बात कर लें या फिर राज्यसभा की, आ चुकी थोड़ी देर की शांति हमने देखी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही। ये शपथ ग्रहण हुआ 2 सांसदों का, उसमें प्रियंका गांधी ने शपथ लिया
लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही हल्ला हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया है। जमकर हंगामा कर रहा है विपक्ष, भारी हंगामा दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा कि जो कि लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो रिक्वेस्ट करते नजर आए, सभी से अपील करते नजर आए कि शांति बनाकर रखिए, सदन चलने दीजिए, लेकिन भारी हंगामा जारी रहा, सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था, ये स्थिति थी। और अभी भी देखिए हंगामा जारी है। संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर प्रियंका गांधी ने शपथ ली, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये संविधान की प्रति लेकर प्रियंका वाड्रा ने सांसद पद की शपथ ली, स्पीकर ओम बिरला ने उनको शपथ दिलाई। ये बड़ी खबर आज की, जब प्रियंका का शपथ ग्रहण, दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही है, एक तरफ आप देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दूसरी तरफ धनखड़ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही राजस्थान से आते हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बाई तरफ वो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ वो आपको दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई यहाँ पर संचालित हो रही है, हल्ला लगातार जारी, हंगामा हो रहा है, और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच बीच में प्रियंका गांधी की भी तस्वीर। गांधी वाड्रा नजर प्रियंका की शपथ खत्म हो गई है, दर शपथ खत्म होते ही हंगामा भी शुरू हो गया है और चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन लोकसभा